हाय फ्रेंड्स, मैं तो डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेहत। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं डायबिटीज़ यानी ब्लड शुगर की बीमारी के बारे में डिस्कस करूँगा। ये डायबिटीज़ की जो बीमारी है, आज बहुत ज़्यादा बीमारी फैलती चली जा रही है और अब तो ये हाल है कि यंग बच्चों में भी ये बीमारी होती जा रही है। खासकर यंग बच्चों में तब से हुई है जब से ये कोविड फैला था और जब से वर्क फ्रॉम होम लोगों को मिला, तो फिजिकल एक्टिविटी उनकी कम होती चली गई, बाहर आना जाना कम हो गया, तो इसके वजह से उनकी लाइफ स्टाइल भी चेंज हो गई, उसके कारण उनको यूथ लोगों में बीमारी बढ़ती चली जा रही है। तो दोस्तों, ये जो बीमारी के लिए हम लोग HbA1c टेस्ट कराते हैं या ब्लड शुगर फास्टिंग या रैंडम जो भी टेस्ट कराते हैं, और जब रिपोर्ट नॉर्मल आ जाती है तो हम लोग बहुत खुश होते हैं कि भाई हमारी ब्लड शुगर नॉर्मल है। और लेकिन हम लोग ये नहीं जानते कि भाई ब्लड शुगर अगर नॉर्मल आ रही है हमारी आज इस रिपोर्ट में, तो ये मेडिसिन खाने के बाद ही तो नॉर्मल हुई है, तो क्या हम जिंदगी भर इस दवाई को खाते रहेंगे? या हो सकता है कि उन दवाइयों को नॉर्मल ना होने के बाद आपकी डोज बढ़ाई गई हो, यानी ओवरडोज लेने के बाद आपकी नॉर्मल हुई हो। तो मैं आज इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करूंगा कि सबसे पहले तो कि आप इस बीमारी के कॉज को अगर जान जाएंगे तो आप इस बीमारी को प्राकृतिक यानी नेचुरली जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो यहां मैं इस वीडियो में आज इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के 10 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा कि आप अगर इनको फॉलो कर लेंगे तो आप जड़ से इस बीमारी को बिना किसी दवा गोली के खाए हुए ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बताता हूं वो कौन से 10 पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला काम हमें करना है कि कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट पर विशेष ध्यान देना है। और इसके ध्यान देने के लिए आजकल तो इनको ट्रैक करने के लिए कई ऐसी एप्लीकेशन आ गई है कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट को, जिससे आप ट्रैक करके पता लगा सकते हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट भी दो तरह की होती है। एक होती है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जिसे कि हम बैड कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। एक होती है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिसे कि गुड कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट का यूज नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर डाइट्री फाइबर होता है और ये जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। जब जल्दी डाइजेस्ट होता है तो हमको बार बार भूख लगती है और हम बार बार खाते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में जल्दी जल्दी ग्लूकोज या शुगर लेवल बढ़ता रहता है। और जब शुगर लेवल बढ़ता रहेगा तो हमारी डायबिटीज बढ़ जाती है, यानी शुगर लेवल बढ़ने लगता है। तो इस तरह से हमें जो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें नहीं लेनी। देखिए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल्स में आता है जैसे कि सफ़ेद चावल है, सफ़ेद ब्रेड है, मैदा है, केक है, पेस्ट्री है, सोडा है, मिठाई, चिप्स, नूडल्स, या फिर बंद डिब्बे में जो ड्रिंक्स आती हैं, तो इस तरह की चीज़ें ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आती हैं, इनको नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिसे कि हम बैड कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ये बहुत अच्छा कार्बोहाइड्रेट होता है, क्योंकि इसके अंदर डाइट्री फाइबर ज़्यादा होने के कारण हमें पचने में, इसको डाइजेस्ट होने में यानी टाइम लगता है, और पेट भी हमारा जल्दी भर जाता है। और जब पेट जल्दी भर जाता है और डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, तो क्या होगा कि हमारा शुगर या ग्लूकोज धीमी स्पीड से ब्लड में घुलता है, जिससे कि हमारा शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल्स हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल, व्हीट ब्रेड, ब्राउन राइस, ओट्स, बाजरा, रागी, फलियां, मूंग, चना, ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के होते हैं, जिन्हें कि हमको खा करके हम ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोटीन रिच डाइट लें। नाश्ते में आप ओट्स, दलिया वगैरह हेल्दी डाइट ले सकते हैं। इसके अलावा पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। पानी ज़्यादा पीने से एक तो आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी और इसके अलावा आपका ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल रहेगा। इसके अलावा स्ट्रेस कम करना है। देखिए, स्ट्रेस भी एक शुगर की बीमारी के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि आजकल स्ट्रेस सबके पास है। किसी को बिजनेस का स्ट्रेस, किसी को सर्विस का स्ट्रेस, किसी को फैमिली का स्ट्रेस, किसी को फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस की वजह से भी डायबिटीज की बीमारी सबसे ज़्यादा फैली है। तो स्ट्रेस को कम करना है, क्योंकि स्ट्रेस होने पर एक हार्मोन होता है जिसे स्ट्रेस हार्मोन या कार्टिसोल हार्मोन बोलते हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा बनने लगता है और ये हार्मोन जो है ये पैंक्रियाटिक सेल्स को प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन बनने से रोकता है। और जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो क्या होगा कि हमारी डायबिटीज की बीमारी बन जाएगी, यानी ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लग जाता है। इसके अलावा नींद पूरी ना होना भी एक ब्लड शुगर के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका काम ही रात का होता है, मजबूरी है, को रात को नहीं सो सकते, जैसे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने वाले लोग हैं, या कुछ जिन लोगों की ऐसी जिनकी नाइट जॉब होती है, या कुछ मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों को रात को काम करना पड़ता है, या कुछ लोग शॉप में भी रात को काफ़ी लेट तक सोते हैं, तो ऐसे लोगों को भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। क्योंकि जब उनकी नींद पूरी नहीं होगी तो, और बॉडी को तो एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो बॉडी को एनर्जी की पूरा करने के लिए
ज़्यादा खाना पड़ेगा, और जब ज़्यादा खाना खाएंगे तो आपके अंदर ज़्यादा कैलोरी पहुँचेगी, ज़्यादा कैलोरी पहुँचेगी ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर आएगी, यानी ज़्यादा ग्लूकोज बनेगा, और ज़्यादा ग्लूकोज बनने का मतलब हो गया कि आपके अंदर शुगर का लेवल बढ़ गया, यानी आपको डायबिटीज़ हो जानी है। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी की कमी होना भी ब्लड शुगर लेवल के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। आजकल लोगों की फिजिकल एक्टिविटी नहीं रही है, क्योंकि घर पर मेड काम करती है, खाना बनाने के लिए कुक आती है, इसके अलावा आप बेड पर बैठे हुए, बेड से जब आपको ऑफिस जाना है तो गाड़ी में बैठे, गाड़ी से बैठने के बाद ऑफिस में सीट पर बैठ गए, सीट से आए फिर गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठ के फिर घर आ गए। इसके अलावा आपको फैन एसी चलाने या टीवी चलाने के लिए पहले आपको उठ के जाना पड़ता था, और अब तो रिमोट से हर काम होने लगा है, यानी फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई है, तो इस कारण भी ये ब्लड शुगर लेवल सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसको हटाने के लिए आप एक काम कीजिए कि कोई भी एक्सरसाइज करिए, जैसे कि आप जंपिंग कर सकते हैं, रोप कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, तो इस तरह की कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करते रहिए। और एक काम कीजिए, एक्टिविटी ये जो आप कर रहे हैं आप ग्रुप में मत करिए, अकेले करिए, अकेले करने से ज़्यादा असर होता है और आप ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। इन एक्टिविटीज़ के करने से आपका इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ने लगता है। हाँ, जो ज़्यादा उम्र वाले लोग हैं तो ऐसे लोगों को योगा और वॉकिंग करके अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश करें, और कम से कम 30 मिनट तक एक्सरसाइज जरूर करें। इसके अलावा रात को खाना खाने के फौरन बाद न सोएं, कम से कम 2 घंटे बाद सोएं, और दिन में 2 से 3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाते जरूर रहिए, लेकिन खाने में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें खाइए, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियों में पालक हो गया, मेथी हो गया, मूंग है, मसूर है, इस तरह की चीज़ें खाते रहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसी खाने की ऐसी चीज़ें कौन सी लेनी चाहिए अगर किसी का ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। तो देखिए, खाने में आंवला बहुत अच्छा काम करता है, हल्दी बहुत अच्छा काम करती है, दालचीनी, मेथी, नीम और ग्रीन टी, ये चीज़ें ब्लड शुगर लेवल को घटाने में बहुत अच्छा काम करती हैं। और अब मैं बात करता हूँ आपको कि एक हर्बल ट्रीटमेंट के बारे में जो ब्लड शुगर लेवल को घटाने में बहुत अच्छा काम करता है। देखिए, कच्चा आंवले का रस 10 ml ले लीजिए, और उसमें हल्दी का पाउडर 1/2 चम्मच मिला लीजिए, और सुबह सुबह खाली पेट 3 हफ्ते तक इसको पीना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे 3 हफ्ते के बाद आपके ब्लड शुगर लेवल में काफ़ी आराम मिलना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, अभी मेरी वीडियो यहीं एंड होती है, और मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी ब्लड शुगर यानी डायबिटीज़ की बीमारी को बिना किसी दवाई के ठीक करने के तरीके के बारे में जान सकें। और दोस्तों, फर्स्ट टाइम अगर आप इस चैनल पर आएँ तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके।